जब आप मकान बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इसमें बजट कितना रखना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए थंब रूल बेसिस पर अप्रोक्सीमेट बजट कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। 1500 स्क्वायर फुट का यदि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या 30 बाई 50 का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको कितना खर्च आने वाला है इसके कैलकुलेशन के लिए कि कंस्ट्रक्शन कास्ट फॉर एनी एरिया। वैसे तो ये 1500 स्क्वायर फुट का वीडियो है लेकिन ये वीडियो एक्सेल फाइल में होने की वजह से ये किसी भी एरिया की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि आप पूछेंगे फिर अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग साइज के लिए अलग अलग वीडियो क्यों बनाए। इसका जवाब ये है कि जब हम इनपुट करना पड़ता है एक्सेल फाइल के अंदर तो सब लोग जो है ना ये कंप्यूटर से इतने और एक्सेल से इतने वाकिफ नहीं होते हैं कि वो डायरेक्टली एक्सेल को डाउनलोड करके या यूज़ करके उसमें इनपुट दे सकें। ये उन लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग साइज के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन कास्ट का वीडियो बनाया हुआ है। जिनको एक्सेल अच्छी तरह से आती है वो इस प्रोग्राम को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप इस शीट में जो भी एरिया एंटर करेंगे आपको अप्रोक्सीमेट कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना लगने वाला है उसका आपको आंसर मिल जाएगा और सिंगल क्लिक में आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए एक्सेल फाइल की ओर चलते हैं। चलिए तो एक्सेल फाइल में समझते हैं कि ये सब कैसे आएगा और कैसे कर क्या इनपुट देना है। इनपुट हमें देना है एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ हमारा एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन है 1500 स्क्वायर फीट या 139.35 स्क्वायर मीटर। आपके पास जो भी वैल्यू हो वो इसमें एंटर कर दीजिए। स्क्वायर फुट में है तो आप यहाँ एंटर करिए और स्क्वायर मीटर में है तो आप यहाँ एंटर करिए और आपको आउटपुट में ये रिजल्ट मिलने वाला है कंस्ट्रक्शन कास्ट की समरी के रूप में कि आपका एवरेज रेट क्या होगा। एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने एंटर किया ही हुआ है। कंस्ट्रक्शन कास्ट क्या होगी, रुपीस में कितनी होगी, रुपीस इन लैक्स कितना होगा। तो यदि सब टोटल फॉर स्ट्रक्चर वर्क की हम बात करते हैं तो ये पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर फीट और रुपीस में और लैक्स में आपके पास कास्ट आएगी। सब टोटल फॉर फिनिशिंग आइटम्स करते हैं तो ये पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर फीट, रुपीस, लैक्स में भी कास्ट आएगी। इसी तरह से वुड वर्क, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वर्क की बात करें तो पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर फुट, रुपीस और लैक्स में, और इसी तरह से टोटल भी हमें मिलने वाला है। अब ये कैलकुलेशन करते कैसे हैं, ये बड़े सिंपल कैलकुलेशन है। एक्सेल में प्रोग्रामिंग के माध्यम से ये सिंपल कैलकुलेशन किए गए हैं। अभी हम पहले एक स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी कास्ट आने वाली है या कितना खर्च आने वाला है वो पहले निकालते हैं। अप्रोक्सीमेट फैक्टर एंड रेट्स मे बी एंटर्ड एज पर एक्चुअल, यानी हमने जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट फैक्टर और अप्रोक्सीमेट रेट ये जो लिए हैं ये हमने अपने हिसाब से लिए हैं। आपके यदि वैल्यूज में फर्क है और अलग हैं इससे तो आप उनको इसमें जो हाइलाइटेड कॉलम है इनमें आप एंटर कर दीजिए, आपके रिजल्ट्स अपने आप बदल जाएंगे, ये वैल्यूज अपने आप बदल जाएंगे क्योंकि वो उनसे लिंक हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं डिटेल में कि कंक्रीट हमने M25 का लिया है 0.3 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी एक स्क्वायर मीटर का यदि मकान का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें लगभग 0.3 क्यूबिक मीटर M25 का RCC कंक्रीट लगने वाला है। और जिसका 5000 रुपये रेट यदि हम पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से लेते हैं तो पर स्क्वायर मीटर आपका 1500 रुपये आएगा या फिर 139.4 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आएगा। इसी तरह से स्टील रिइंफोर्समेंट 30 kg पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन लेने पे 1650 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 153 रुपये 30 पैसे पर स्क्वायर फीट आएगा।
शटरिंग फॉर्म वर्क 2 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन होता है तो 300 रुपये के रेट से ये 600 रुपये और 55.7 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा, और क्योरिंग का लमसम 250 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 23 रुपये 20 पैसे पर स्क्वायर फुट आएगा। ये सब टोटल फॉर स्ट्रक्चर वर्क है, जिस स्ट्रक्चर में सिर्फ सीमेंट कंक्रीट और स्टील फार्म वर्क ही शामिल है, इसके अलावा और कुछ भी शामिल नहीं है, ना ब्रिक वर्क, ना प्लास्टर, ना टाइल और ना ही वुड वर्क, कुछ भी इसके अंदर शामिल नहीं है, इंक्लूडिंग एक्सकेवेशन पेंटिंग वगैरह कुछ भी शामिल नहीं है। लेकिन इसमें शामिल क्या है, मटेरियल शामिल है और लेबर चार्जेस शामिल है। अब पांचवा आइटम आता है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन एंड फिलिंग, इसका हमारा 1.5 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन अप्रॉक्सीमेट आएगा, जिसका 150 रुपये के हिसाब से हमारा 225 पर स्क्वायर मीटर या 20 रुपये 90 पैसे पर स्क्वायर फीट आएगा। PCC 148 की 0.05 क्यूबिक मीटर आ रही है, जिसका 4500 के रेट से 225 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 20 रुपये 90 पैसे पर स्क्वायर फीट आएगा। इसी तरह से ब्रिक वर्क 1:6 के मोर्टार में करने में 0.8 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन, या फिर 3500 रुपये के रेट से 2800 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 260 रुपये 10 पैसे पर स्क्वायर फीट का इसमें ब्रिक वर्क का कास्ट आएगा। प्लास्टर का कास्ट आएगा आपको 1050 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 97.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट। पेंटिंग का कास्ट आएगा आपको 1050 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 97.5 पर स्क्वायर फीट। टाइल्स फ्लोरिंग का यदि 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हम टाइल्स लेते हैं तो लगभग आपको लगेगा 1200 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 111 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर फीट। और वाटर प्रूफिंग टॉयलेट्स वगैरह का यदि आप कास्ट पकते हैं तो 300 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको 27.90 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। तो टोटल आपका फिनिशिंग आइटम्स का टोटल होगा सब टोटल 6850 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 636 रुपये 40 पैसे पर स्क्वायर फीट। अब आते हैं 12वें नंबर आइटम पे, वुड वर्क डोर विंडोज़ के लिए, इसका 1200 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 111 रुपये 50 पैसे। इसी तरह से किचन का वुड वर्क और अलमीराज वगैरह के लिए भी 1200 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 111 रुपये 50 पैसे। इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स फिटिंग्स वगैरह स्विच सॉकेट्स यदि हम ले लें तो 1000 रुपये के हिसाब से 92.9 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और प्लम्बिंग और सैनिटरी का 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 139.4। तो ये टोटल कास्ट आई हमारी 15750 रुपये पर स्क्वायर मीटर या फिर 1463 रुपये 20 पैसे पर स्क्वायर फीट, कंप्लीट लेबर मटेरियल सब मिला के। इसमें आपका पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कास्ट है, ये 10-5% फ्लक्चुएट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिकेशन आप क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फिनिशिंग की कोई लिमिट होती नहीं है, फिनिशिंग में आप जितना मर्जी पैसा लगा सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारा लिंक करके और एरिया से मल्टीप्लाई करके हमारी कास्ट समरी यहाँ पे आ जाती है, जिसके हिसाब से हमारा 21.95 या 21.95 लैक्स आपको खर्चा आने वाला है 1500 स्क्वायर फुट के कंस्ट्रक्शन में। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन कास्ट का कैलकुलेशन यूजिंग एक्सेल सीट। ये एक्सेल सीट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आशा है आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा और आप इसको डाउनलोड करके भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए भी रखेंगे अपने पास।